मनिंद्रगढ़ में गुरु श्री गोविंद सिंह जी की निकाली शोभा यात्रा। सिख समाज के लोगों ने शस्त्रों के साथ दिखाया करतब। गौरेला पिंडरा में सर्दी का सितम लगातार जारी, कोहरे की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। गौरेला पिंडरा में भाजपाइयों ने विधायक ध्रुव के आवास को घेरा, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कोरिया के बैकुंठपुर के जंगलों में मिली अवैध कोयले की खदान, लंबे समय से चल रहा था खुदाई का काम। महासमुंद में जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार, नलों में नहीं आ रहा पानी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नगर निगम के फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा अस्पताल के स्टाफ को फायर मॉक ड्रिल करवाया गया। दरअसल अस्पतालों में शॉर्ट सर्किट सहित अन्य कारणों से आग लगने की वजह सामने आती रहती है, जिससे निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम को लेटर जारी कर आवश्यक फायर संबंधी जानकारी और उससे बचाव के लिए प्रशिक्षण देने को कहा, जिसके बाद अंबिकापुर की फायर ब्रिगेड टीम के द्वारा आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नर्सों और अस्पताल के स्टाफ को आग लगने के कारणों की जानकारी दी गई, जिसमें आग लगने से पहले लोगों को बाहर कैसे निकाला जा सके और जनहानि को रोकने के गुर सिखाए गए। नगर निगम के जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके द्वारा आके यहाँ पे एक मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें बहुत सारे स्टाफ थे, नर्सिंग स्टाफ थे, कुछ डॉक्टर्स थे, जो गार्ड थे, फोर्थ क्लास वर्कर थे, कुछ स्टूडेंट नर्स थे और मोस्टली मैटरनल सिस्टर थे, ऑफिस के स्टाफ थे। सबको सिखाया गया कि अगर आग लगती है तो आपको घबराना नहीं है, कैसे बचा जा सकता है और कैसे बचाना है, आपको कैसे बुझाना है, उसके लिए मॉक ड्रिल कराया गया और साथ में 5 सिलेंडर के द्वारा करके दिखाया भी गया कि कैसे बुझा सकते हैं आग। आगे चल के किस प्रकार लाभ मिलेगा? आगे चल के ये होगा कि अगर कभी हॉस्पिटल में इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो हम मतलब चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय है, यहाँ आग और बचाव से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाने की हमको एक चिट्ठी विभाग के द्वारा भेजा गया था। विभाग के द्वारा प्राप्त चिट्ठी प्राप्त होने पर हम आज दिनांक को यहाँ कर्मचारी, स्टाफ नर्स और बहुत सारे। सूरजपुर के विश्रामपुर इलाके में शराब पीने की विवाद को लेकर कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की डंडे से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी गांव का सरपंच बताया जा रहा है। पूरा मामला जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के सरस्वतीपुर गांव का है, जहां मृतक और उसका बेटा एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान शराब पीने को लेकर पिता और पुत्र में विवाद हो गया, जिस पर आक्रोश में आकर पुत्र ने डंडे से पीट पीट कर पिता की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के बेटे पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसी ऐसी कि उसको मार के घर में रखे हैं, जिसको दफन करने के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर जाकर पुलिस ने इसकी तस्दीक किया। तस्दीक में पाया गया कि सरपंच के द्वारा अपने पिताजी को घर में लगे हड़का छोटा सा लकड़ी को। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के असर गौरेला पिंडरा इलाके में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं उत्तर भारत से चलकर छत्तीसगढ़ आने वाली ट्रेनें भी कोहरे के चलते घंटों की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रात को जहां शहर और गाँवों की गलियां ठंड के चलते जल्दी सूनी हो जा रही हैं और लोग जल्दी घरों में दुबक जा रहे हैं, तो वहीं दिन में भी शीतलहर के चलते लोग आग जलाकर ठंड से निजात पाने में लगे हुए हैं। हालांकि अब तक स्थानीय प्रशासन की ओर से ठंड को लेकर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, तो वहीं मौसम विभाग की ओर से इलाके में अभी तापमान में और भी गिरावट चलने की संभावना जताई जा रही है।
गौरेला पिंडरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा भुगतान न करने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा पिछले काफी दिनों से आवास को लेकर चल रहे आंदोलन को बड़ा रूप देती जा रही है, जिसके चलते आज मरवाही विधायक ध्रुव के आवास का भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, तो वहीं पुलिस बल मौजूद होने के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता विधायक के आवास के सामने पहुंच गए और धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि मुफ्त मिलने वाले आवास को भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। भाजपा के जिला प्रभारी ने कहा कि आने वाले समय में हम इस मुद्दे को जन जन तक ले जाएंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास का भी घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनने थे, अभी तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद 18 लाख लोगों का जो आवास बनना था, जो हितग्राही है और जो चिन्हित है, उनका आवास नहीं बनाया गया है। हमारा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में पूरे गांव-गांव में जा करके सभी हितग्राहियों को अपने साथ में ला करके उनका आवास को बनाने की इस छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करती है। इसी के अंतर्गत आज जो है मरवाही विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के विधायक उनका आवास को घेरने के लिए इस क्षेत्र के सभी हितग्राही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। यहाँ से पदयात्रा चालू होगी और कल जो है गौरेला पहुँच करके वहाँ के कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। कोरबा के घंटाघर स्थित ओपन थिएटर में एक युवक ने युवती के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवती के ऊपर युवक शक करता था। बता दें कि दोनों बालकों के चेक पोस्ट के रहने वाले थे, तो वहीं पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। कोरबा के जिला अस्पताल में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नशे में चूर युवती ने अस्पताल में काफी देर तक हंगामा किया, तो वहीं युवती की इस हरकत से अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही युवती ने ड्यूटी में तैनात चिकित्सक से भी अभद्रता की। इस दौरान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल से वीडियो बनाने पर युवती ने उसे भी तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि युवती कुछ युवकों के साथ अस्पताल में उपचार कराने पहुंची थी और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ड्रिप लगाने पर वह भड़क गई और जमकर हंगामा किया। कोरिया के वन परिक्षेत्र बैकुंठपुर में अवैध कोयले की खदान संचालित करने का मामला सामने आया है। बता दें कि जंगल में छोटी बड़ी कई खदानें नजर आई हैं, जिसमें पत्थरों के बीच से छोटी छोटी सुरंगें बनाकर कई सौ फीट तक खुदाई कर कोयला निकाला जा रहा है, जिसमें से कुछ खदानों के अंदर कोयले से भरी हुई बोरियां मिली हैं और मौके पर खाना बनाने के कुछ बर्तन भी मिले हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां लंबे समय तक खुदाई की जाती है। इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी से लेकर डीएफओ से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। साथ ही कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हर 2-3 दिन में यहाँ छोटी गाड़ियां लगती हैं और उनमें कोयला भरकर क्षेत्र की ईंट भट्टों में खपाया जाता है। अब देखना यह होगा कि मामला सामने आने के बाद प्रशासन कुछ कार्रवाई करता है या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा। महासमुंद में घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। ताजा मामला जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम का है, जहां हर घर में नल कनेक्शन तो लगा दिया गया है, लेकिन नल में पानी नहीं आने से ग्रामीण परेशान है। वहीं आला अधिकारी सभी इंतजामों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ गांव के सरपंच का कहना है कि एक दिन में एक परिवार को मुश्किल से एक या दो गुंडी ही पानी मिल पा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। हर घर जल सर्टिफिकेशन हो गया है, हर नल में पानी आ रहा है, हमने स्वयं जाके देखा है और हमारे उच्च अधिकारी चीफ इंजीनियर साहब भी जाके देखे है। हर घर हर नल कनेक्शन से पानी सफिशियंट आ रहा है। अभी अंडर टेस्टिंग चल रहा है, किसी किसी
कनेक्शन में किसी कारणवश पानी नहीं आ रहा होगा, जो सुधार कार्य में ठीक हो जाएगा और हर घर में बराबर पानी आएगा। सर अभी तो कनेक्शन तो सबके घर लग गया है जरूर, और उसमें क्या है पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। जैसे एक व्यक्ति पीछे 55 लीटर मिलना चाहिए, वो जो है सरकार की योजना का फॉलो नहीं किया जा रहा है। और कनेक्शन तो सब यहाँ चले गया है पर पानी कम है, जो कि मात्र पीने के लिए ही यूज हो पा रहा है, और औसत से पानी थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए जो कि अभी कम है। मनेंद्रगढ़ में सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर सिख समुदाय ने शोभा यात्रा निकाली। बता दें कि सिख समाज की ओर से गुरुद्वारा श्री साहब संगत में शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए गुरु सिंह सभा में समाप्त हुई। वहीं सिख समाज के लोगों ने अपने शत्रुओं के साथ कर्तव्यबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मनेंद्रगढ़ में गुरु गोविंद सिंह जयंती का 356 प्रकाश पर्व को मुख रखते हुए आज गुरुद्वारा गुरु सिख सभा एवं मनेंद्रगढ़ की संगत द्वारा नगर कीर्तन, जो कि भव्य शोभा यात्रा जिसको कहा जाता है, वो आज निकाली गई है। नगर कीर्तन के बाद जो गुरु गोविंद जयंती है वो 5 जनवरी को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में मनाई जाएगी। उसके बाद गुरुवार द्वार में अटूट लंगर बरताया जाएगा। समूह साथ संगत, समूह मनेंद्रगढ़ के सभी व्यापारियों, सभी संगत से, सभी अपने पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि दोपहर में 2 बजे पहुँच के गुरु का लंगर वर्ताया जाएगा, उसमें जरूर पहुंचने की कृपा करें जी। गुरु गोविंद साहिब के जो जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम है मनेंद्रगढ़ में सिख समाज के द्वारा, जो आज कीर्तन जो रैली निकाली गई है प्रबल स्त्री फाउंडेशन के माध्यम से, आज हम सभी महिलाओं ने उनका स्वागत सत्कार जो है यहाँ पर किया है। और ऐसे ही जो है हम शक्ति के ब्लॉक ढबरा क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली और महिला एवं बाल विकास विभाग पहुंचे। साथ ही परियोजना अधिकारी ढबरा को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 23 जनवरी तक हमारे मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आंदोलनों के माध्यम से शासन प्रशासन का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था उनको भी 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया है। बता दें कि कांग्रेस सरकार की ओर से सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राइमरी शिक्षक बनाने की बात कही गई थी, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनवाड़ी कल्याण संघ से मैं हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मन के 6 सूत्री मांग ले लेकर, मतलब हमन पहला सूत्र है हमन के कि हमन ला कार्यकर्ता मन ला सुपरवाइजर के पद में लिया जाए, और दूसरा हमन के मांग है कि हमन ला प्राइमरी स्कूल के शिक्षा के दर्जा दिया जाए, और हमन ला जैसे हमन रिटायर होथन तो हमन ला 5 लाख रुपया दिया जाए, सहायिका ला 2.5 लाख रुपया दिया जाए। और अगर सरकार हमन के ये मांग ला हमन अभी ज्ञापन सौंपत हन, सरकार ये मांग ला हमन के नहीं करी, हमन ला कलेक्टर रेट में दिया जाए अभी जब तक प्राइमरी के टीचर घोषित नहीं करी तब तक। अगर सरकार हमन के 6 सूत्री मांग ला नहीं करी तो हमन 23 तारीख ले सब अपन हड़ताल रायपुर में जाके हड़ताल करे बा बाध्य हो जाबो। मिनी आंगनबाड़ी को पूरा किया जावे और सहायिकाओं को जहाँ कार्यकर्ता की पद रिक्त है वहाँ भर्ती की जावे, और वहाँ हमारे जो राज्य सरकार हैं वो अपने जन घोषणा पत्र में लिख कर हमें वादा किए थे, वो आज 4 साल पूरा हो गए, अब तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। हम लोग यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में 6 सूत्री मांग के लिए 23 से 27 तारीख तक आंदोलन करेंगे, इसके लिए ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग का मानदेय बहुत कम है, 6,500 में हम लोग का परिवार नहीं चलता है, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, हमारा परिवार नहीं चलता है। हम इसमें इस आंगनबाड़ी में कई विधवा कई परित्यक्ता लगे हैं जो अकेले अपने परिवार को 6,500 में अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक रूप से अधिकारों का हनन हो रहा है, यहां के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामलों में लोगों तक सही बात पहुँचाना हमारा कर्तव्य बन गया है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार संवैधानिक रूप से भी हमारे जो निर्वाचित
विधानसभा है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।